नमस्कार विद्यार्थियों, प्रकाशिकी के व्याख्यान श्रृंखला के इस व्याख्यान में आप सबों का स्वागत है। पिछले वर्ग में हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला ये डिराइव किया था और लेंस फॉर्मूला डिराइव किया था। लेंस फॉर्मूला बेसिकली थिन लेंस की बात करते हैं, पतले लेंस के लिए आ जाता है। तो दो तरह के लेंस हमें पढ़ने हैं, एक है कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस, एक है कॉन्केव लेंस अवतल लेंस। तो मिरर की तरह ही सारा कुछ डिफाइन होगा, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, प्रकाशिकी केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली और इसको दो भागों में बांटने वाली जो लाइन है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया दोनों ही केस में। बस फोकस मिरर में आपका एक होता था, यहाँ पे दो हो जाएगा, क्योंकि दो से आपके रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं तो दो फोकल लेंथ होगा। जो सोर्स की ओर फोकल लेंथ होगा वो कहलाएगा फोकस होगा, वो कहलाएगा फर्स्ट फोकल लेंथ और दूसरे साइड वाला कहलाएगा सेकेंड फोकल लेंथ। साइन कन्वेंशन हमने जैसे डिस्कस किया था वैसे ही होगा। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन में क्या था जो हम रिवाइज करा रहे हैं, अगर यहाँ पे मेजरमेंट सारा ऑप्टिक एक्सिस से इसी से होगा, इसी पॉइंट से मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। अगर रे जो आप मेजर कर रहे हैं, अगर जिसको आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं वो अगर रे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजरमेंट है तो पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट में होगा तो नेगेटिव होगा। इस हिसाब से देखिए, यहाँ अगर रे जा रहा है तो ये वाला डिस्टेंस, इधर वाला फोकल फोकस या फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। सिमिलरली रे ऐसे जा रहा है तो आपका इधर वाला जो होगा, देखिए इधर रे जा रहा है, रेवर जो हो रहा है इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात होगी। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन यहाँ थियोरेटिकली नहीं करके, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, उन सब बातों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके पहले एक चीज़ और आपको बता दें, एक दो टर्म डिफाइन कर लेते हैं। एक होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब हुआ कि आप आवर्धन, हिंदी में अगर उसको कहें, एक टर्म डिफाइन करते हैं इसमें, आवर्धन क्षमता, किसी भी लेंस की आवर्धन क्षमता या मैग्निफिकेशन, आवर्धन या मैग्निफिकेशन। ये आपको प्रायः सवाल मिलेगा, आपको हर एक जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कीजिएगा ये निकालने के लिए कहा जाता है। तो आवर्धन है क्या, मैग्निफिकेशन क्या है, ये आपको जैसे दर्पण में बताया था आवर्धन, वहां पे आपको बताया था, यहाँ भी आपका वही चीज है। बेसिकली इसको एम से दिखाते हैं, और एम क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट, जो प्रतिबिंब की दूरी है बटे वस्तु की, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और इसको ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस वी बटे यू, ऐसे वहाँ पे डिफाइन किए थे, ठीक है। एच क्या है, एच प्राइम है हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच क्या है वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वस्तु ऊंचाई, दो हो गया। अगर हमने यूज किया वी, वी क्या इमेज डिस्टेंस है, प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस मतलब प्रतिबिंब दूरी, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु दूरी, वस्तु की दूरी या वस्तु दूरी, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन के लिए, कि इमेज जो बनता है वो कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से स्मॉल बन रहा है या ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है या वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, ये आपको इस बात के लिए दिखाएगा।
और आप साइन कन्वेंशन में आप इस एक्सिस के ऊपर जाते हैं पॉजिटिव, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव होता है, जैसे कि मिरर में लिए तो सेम रहेगा। अब एक और टर्म यहाँ पे आप डिफाइन कर देते हैं, पावर, क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की पावर ऑफ लेंस, पावर देखिए पावर कैसे डिफाइन करते हैं। पावर क्या होता है कि जैसे आपको बताया ये लेंस रे को जो पैरेलल आ रहा है उसको कन्वर्ज करेगा तो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, मतलब अभिसारित लेंस कहलाएगा, अभिसारी लेंस कहलाएगा। ये रेज को डाइवर्ज करेगा तो अपसारित लेंस कहलाएगा, मतलब कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा। इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी, अभिसारी लेंस, क्योंकि रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराता है ये, और ये डाइवर्जिंग लेंस क्या है, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। ठीक है, तो ये आपके पास इसी से रिलेटेड है आपका कि किस लेंस की कितनी क्षमता है रे को अभिसारित या अपसारित करने का, मतलब डाइवर्ज या कन्वर्ज करने का, जो पावर है, जो क्षमता है, वही उसका पावर कहलाता है। तो इसका तो पावर क्या है, बेसिकली कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की कैपेसिटी लेंस की है। तो निकालते हैं इसका फॉर्मूला हम लोग, सपोज एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला जो रे है वो आपको उसी, कोई डेविएशन नहीं होगा इसमें। पैरेलल रे जो आ रहा है वो डेविएट करके फोकस को काटेगा, ठीक है, ये आपका फोकस हो गया। देखिए डेविएशन कितना हुआ रे का, रे ऐसे जा रही थी इधर मुड़ गई, इसको ऐसे जाना था, तो डेविएशन जो हुआ, विचलन जो हुआ वो मान लीजिए डेल्टा हो गया। तो ये पैरेलल रे दोनों, ये लाइन काट रही है तो ये एंगल भी डेल्टा होना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि ये जो हाइट ले रहे हैं वो एच है, देखो हमारे पास ट्रेंगल बन गया एक राइट एंगल ट्रेंगल। तो यहाँ से अगर हम 10 डेल्टा निकालें कि कितना हमारा डेविएशन हो रहा है 10 डेल्टा, तो क्या आ जाएगा, हाइट बाय ये फोकल लेंथ है आपका एफ है, तो एच बाय एफ। अगर हाइट को हम यूनिट ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 बाय एफ, कंसिडरिंग एच इज इक्वल टू 1 यूनिट हाइट के अगर हम ले रहे हैं, तो डेल्टा हमारे पास, और डेल्टा का स्मॉल है 4, स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा, 10 डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा के इक्विवेलेंट हो जाएगा डेल्टा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाय। तो कितना डेविएट करा है, इसकी कैपेसिटी कितना डेविएट करने की यही है, तो इसी डेविएशन की कैपेसिटी को कन्वर्जिंग, कन्वर्जेंस का कैपेसिटी, या डाइवर्ज अगर कॉनकेव लेंस लेंगे तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, वो कन्वर्ज करने की कैपेसिटी हो जाएगी। तो इसी डेल्टा को हम लोग डिफाइन करते हैं पी के टर्म में, यही हमारा होता है पावर। क्या बताया था, कैपेसिटी है डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की, तो पी 1 बाय एफ, ये आपका हो गया पावर। इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये आपके पास पावर का फॉर्मूला आ गया।
अब इस पर एक बात ध्यान रखना है, फोकल लेंथ को हमेशा आप क्या लेंगे मीटर में, तो इसका यूनिट होगा डायोप्टर। एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, ये हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव में, ये आपका होगा डायोप्टर। इसको कैपिटल डी से दिखाते हैं, और बस शर्त ये कि एफ को मीटर में लेना है, मतलब 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। फोकल लेंथ को मीटर में लीजिए तो जो आएगा वो आपका डायोप्टर हो जाएगा पावर, ये ध्यान रखें। फोकल लेंथ को हमेशा एफ से यहाँ मीटर मेजर करेंगे आप। तो हम अभी क्या सीखे, लास्ट क्लास में जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था लेंस मेकर फॉर्मूला, उससे थिन लेंस का फॉर्मूला लेके आए थे। लेंस फॉर्मूला मतलब थिन लेंस का फॉर्मूला, जब आपका ये काफ़ी कम होगा। दो तरह के लेंस से पढ़ने आप, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस जनरली, और कई लेंस हो सकते हैं, मतलब एक साइड अगर प्लेन हो तो प्लेन हो कॉन्वेक्स लेंस कहलाएंगे। अकॉर्डिंगली बहुत सारे का मतलब मेन ये दो लेके चलेंगे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का। तो इसमें आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, फोकल लेंथ है आपके, फोकस दो फोकस होगा, इधर वाला जो सोर्स की तरफ होगा फर्स्ट फोकल लेंस कहलाएगा, ये दूसरा कहलाएगा। साइन कन्वेंशन सिंपल वर्ड जैसे यूज करें तो मिरर में सही करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे डिस्टेंस, और रे के डायरेक्शन में जो जाएगा मेजरमेंट होगा वो आपको पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा नेगेटिव होगा, सब कुछ वैसे ही रहना है। आवर्धन क्या था कि ऑब्जेक्ट आपका कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, ये इससे पता चलता है आवर्धन से, मतलब इनलार्ज हो रहा है या स्मॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट साइज से उसका साइज कैसा हो रहा है वो बताएगा आपको आवर्धन। तो डिफाइन क्या करते हैं, क्या है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ क्या, इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के टर्म में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लेंस पावर का क्षमता, लेंस की क्षमता पावर का ऑफ लेंस भी आपको बता दी, कितना कैपेसिटी है डाइवर्ट या कन्वर्ट करने की। फॉर्मूला क्या आया, पी इज इक्वल टू 1/f, यहाँ एफ अगर मीटर में लेते हैं तो पी आपका 1 डायोप्टर हो जाएगा, पर डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर पर मीटर। तो ये आपको याद रखना है, इतनी बातें हो गई। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी का है इसी टॉपिक पे, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपको उस पर प्रॉब्लम करवाते हैं, तो इस पर भी हम 2 दिन प्रॉब्लम करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला को जो भी तो फॉर्मूला निकाले उसको कैसे अप्लाई करेंगे, और डिफरेंट फैक्टर्स जो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें कैसे रे डायग्राम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, उस सबका एक्सप्लेनेशन हम लोग उस क्वेश्चन के माध्यम से ही करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास होगा तो समझाना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम, और पहला प्रॉब्लम जो है बेसिकली एनसीईआरटी का जो सेकंड पार्ट है उसका, फर्स्ट चैप्टर का बेसिकली 9.7 है, क्वेश्चन नंबर 9.7 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, 9.7 है, तो दोनों ही लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं शुरू से। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस निर्मित करना है। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। इंग्लिश में है कि डबल कॉन्वेक्स लेंसेस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.55 विथ बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ़ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है समझिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक उभयोत्तल लेंस निर्मित करना है, मतलब डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना है। ठीक है, अब दिया क्या है, गिवन जैसा कि आपको बताया था क्वेश्चन में, गिवन पहले लिखिए, दिया है जिस ग्लास से बनाना है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.5, मतलब न्यू क्लास, और कंडीशन क्या है कि उभयोत्तल हमारा जो बनाना है कॉन्वेक्स लेंस, वो दोनों का साइड का उसका जो कर्वेचर होगा रेडियस कर्वेचर सेम होगा, मतलब R1 R2 दोनों सेम है। सेकंड पॉइंट दिया है कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू, हम R मान लेते हैं, दोनों सेम है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बट अगर ये आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं ऐसे, ठीक है,
अगर आर वन है ये वाला और ये आर टू है इधर, सपोज करते हैं साइन कन्वेंशन लेंगे तो आपका आर वन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आर टू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि मेजरमेंट यहाँ से कर रहे हैं हम। रे का डायरेक्शन भी किया, रे हमारे इधर से आ रहा था, तो ये आपका आर वन है, ये आर टू है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड वाइज जरूर हम यहाँ आप चाहें तो मैग्नीट्यूड वाइज कर दीजिए, ये मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है, सारा पॉजिटिव होगा। दो बात हो गया, कह रहा है कि एक आपको डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना है जिसमें कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास दे दिया है और दोनों का जो सरफेस का कर्वेचर वो सेम दिया है। अब आपको जो लेंस है उसका रिक्वायरमेंट क्या है कि फोकल लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो फॉर्मूला बैठाते हैं हम लोग, जो लेंस में अगर फॉर्मूला सबसे को यूज़ करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, फॉर्मूला था 1/F इज इक्वल टू, और निकालना है आर, इसके लिए आर निकालना ही है, आर निकालना, तो μ2/μ1-1, 1/R1-1/R2। ठीक है, अब यहाँ पे R1 = R2 है बट विथ माइनस साइन, R1 आपका जो है वो क्या है, आर है, और R2 क्या है, माइनस आर है साइन वाइज, तो यहाँ पुट कर दीजिए, सिंस 1/F आपके पास 20 सेंटीमीटर है, 1/20 सेंटीमीटर, μ2 आपका ग्लास का मतलब म्यू जी हो गया, और μ1 आपका एयर है, तो म्यू जी बाय म्यू आ गया, एयर एयर का 1 होता है, म्यू एयर का आपका 1 होता है, तो आपका μ2 की जगह म्यू जी हो गया 1.55, मैंने ग्लास का इफेक्टिव इंडेक्स बटे 1-1, ये 1/R-1/R तो निकल गया आपका यहीं से, 1/20 सेंटीमीटर, ये 0.55 हो गया, ये 1/R 1/R हो जाएगा तो 2/R हो जाएगा, तो आपके पास आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा 0.55 × 2 × 20, तो 2 × 4 ये हो गया 22, 5 × 20, 5 × 20 तो 22, 2 0 आता तो 22 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ गया क्या, ये आपका आंसर हो गया। सेम वक्रता त्रिज्या का एक डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना था, इसका फोकल लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर दिया था, तो और वो पूछ रहा था कि जो बनेगा लेंस उसका रेडियस कर्वेचर क्या होगा, तो हमारे पास ये आंसर है, ये हम लोग सेकंड क्वेश्चन प्रॉब्लम ले रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम आपका बेसिकली एनसीईआरटी का ये 9.8 वाला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9.8 एनसीईआरटी, ऑप्टिक्स कॉलेज रे ऑप्टिक्स का चैप्टर है उसका, पार्ट टू में आता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु पी पर अभिसरित होता है, कोई लेंस इस अभिसरित पुंज के पथ में बिंदु पी से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, यदि वह ए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, बी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा। इंग्लिश में है, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेज एट पॉइंट पी, नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्जेज इफ द लेंस इज ए, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड पार्ट है बी ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन
सॉल्यूशन में क्या है कि दिया है कि एक रे सर्टेन रेज है जो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है इसे, ठीक है, सपोज इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है पी पॉइंट पे। अब अगर इसके आगे एक लेंस रख दिया जाए दो केसेस है, पहला केस में लेंस रखा गया है वो कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब ये वाला केस हो गया, इसके आगे एक बार कॉन्वेक्स लेंस रखा गया ऐसे, और दूसरा बार हम एक कॉन केव लेंस रखें, तो ये जो इसका इमेज है इस ये अब कहाँ पे अभिसरित होगा, मतलब ये पॉइंट अगर रे यहाँ पे जा रहा था, अगर रे सपोज कि यहाँ पे जा रहा है लेंस बीच में रख दिया ऐसे, तो अब ये पॉइंट पी से कितना आगे या पीछे कन्वर्ज करेगा, अभिसरित होगा, तो हम लोग दोनों ही केस पे निकालेंगे। तो पी हमारा क्या हो गया, ये लेंस जितनी दूरी पे रखा गया है चाहे कॉन्केव लेंस चाहे कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही केस में, तो हमारा दो पार्ट कर दिया क्वेश्चन का, तो पार्ट ए पहले करते हैं। पार्ट ए में कह रहा है कि आपका जो लेंस रखा गया है पी पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है, दोनों ही केस में 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये जो पॉइंट पी होगा दोनों इस लेंस के लिए भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसके लिए भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो पी आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब यू ले लीजिए, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका किधर है, इस साइड है, पॉजिटिव है, ठीक है, लेंस के इधर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो यू आपका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया था, फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है फर्स्ट वाले का, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो यह 16 सेंटीमीटर, 16 नहीं 16 दूसरे का है 20 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट वाले का 20 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपको कह रहा है किस पॉइंट पे डाइवर्ज कन्वर्ज होगा, तो वी आपका निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाइए, आप गिवन इतना दिया हुआ है, यू और एफ दिया हुआ है, वी निकालना है, तो लेंस फॉर्मूला लगाए थे, लेंस फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा 1/v-1/u इज़ इक्वल टू 1/f, तो यू आपका उधर चला जाएगा, तो 1/v इज़ इक्वल टू 1/u+1/f हो जाएगा, 1/u दिया हुआ है तो यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यह 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 20 और 12 एलसीएम लीजिए, तो 60, तो 12 × 5 = 60, 20 × 3 = 60, ये 8/60 हो जाएगा, 8/60 मतलब 4 × 2 = 8 और 15 × 6 = 60, तो वी आपका क्या जाएगा 1/v आया 2/15, तो आपका वी कितना आ जाएगा 15/2 सेंटीमीटर इसके टू 7.5 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका आंसर हो गया कि कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, जो हमारा नेक्स्ट पी कन्वर्जिंग पॉइंट होगा वो आएगा ऑप्टिकल सेंटर से पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इधर ही कन्वर्ज करेगा, ये आपका पी दिया था कितना था 12 सेंटीमीटर पे रखा था ना, और ये कन्वर्ज करेगा कहीं इधर ही, इसके पहले ही ये पी था नया कन्वर्जिंग पॉइंट पी प्राइम यहाँ पे हो गया, तो ये आ जाएगा वी इजकल टू 7.5 सेंटीमीटर, मतलब जो जितनी दूरी पे कन्वर्ज कर रहा था लेंस अगर आप रखते हैं तो उसके पहले वो कन्वर्ज कर जाएगा, ये आपका 7.5 सेंटीमीटर, तो कन्वर्जिंग पॉइंट अगर ये 12 सेंटीमीटर था पी, यहाँ से यहाँ 7.5 सेंटीमीटर, मतलब पहले का पी प्राइम नया वाला जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो पी प्राइम होगा, ये रे पहले यहाँ कन्वर्ज कर रहा था जब लेंस नहीं था तो, और ये लेंस आ गया तो आपका कन्वर्जिंग पॉइंट ये इसी जगह पर हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट केस हुआ जब आपका कॉन्वेक्स लेंस रखे हैं तब। सेकंड केस का देखिए, सेकंड केस का बी निकालिए, बी में क्या हो जाएगा, सिमिलर चलेगा, यू तो वही रहेगा, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा 12 सेंटीमीटर रहेगा, ये एफ इसमें नेगेटिव हो जाएगा, एफ कितना है 16 सेंटीमीटर है, तो -16 सेंटीमीटर क्योंकि ये कॉन्केव लेंस ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो
तो आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ से, पी पॉइंट जो था, और ये आपका इसका फोकल लेंथ माइनस हो गया, तो आपको वी निकालना है कहाँ पे कन्वर्ज करेगा क्या डाइवर्ज करेगा, किस मतलब शिफ्ट कहाँ पे करेगा इसका। तो वी अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वही फॉर्मूला लगाइए, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इसकल टू 1/f। तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/u + 1/f, जो दिया है वैल्यू बैठा दीजिए, 1/12 - 1/16, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 48 आ जाएगा, 12 चौके 48 16 तीन 48, 1/48, तो आपका कहाँ आ जाएगा, वी कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो आगे शिफ्ट कर गया है। ये आपका ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, मतलब जो कन्वर्ज करेगा इधर, जिधर आपका कन्वर्जिंग पॉइंट उधर ही कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, बट ये और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 48 सेंटीमीटर हो गया अगर, और वो पहले हो गया तो पी पॉइंट से, अगर ये पी पॉइंट के बाद कहीं पे पी प्राइम आपका हो रहा है, मतलब तो अब हम लोग आंसर हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है, इमेज दोनों केस में रियल बन रहा है, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट आपका इस साइड है, मैं नेगेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है और इमेज आपका रियल बन रहा है, यहाँ पे रियल बनेगा यहाँ पे रियल बनेगा, क्योंकि रियल बनेगा तभी इस साइड आपका आएगा। तो ये हमारा हो गया, हम लोग दो क्वेश्चन कर लिए, हम लोग थर्ड एक और क्वेश्चन है इसमें, तीन क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, तो थर्ड क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। इस टॉपिक का आखिरी सवाल हम लोग ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर अगर आप बुक में देखेंगे तो ये हो जाएगा 9.9 वाला क्वेश्चन है, 9.9 NCERT, ठीक है, जो ऑप्टिक्स के चैप्टर है उसका 9वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम लोग, क्वेश्चन क्या है कि 3 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, इसको घेर दीजिए, 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए, क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटाई जाती है, हटती जाती है। इंग्लिश में, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन, ये कह रहा है कि एक कॉन्केव लेंस लिए, अवतल दर्पण लिए, सॉरी अवतल लेंस दर्पण नहीं, अवतल लेंस है, ठीक है, ज्यादा मोटा हो गया, थोड़ा पतला करना चाहिए था इसको, थिन लेंस का वो ले रहे हैं ना। तो आपके पास क्या है, 3 सेंटीमीटर ऊंचा एक प्रतिबिंब है, ऊंचा बिंब है, बिंब माने ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर ऊंचा ये रखा, और कहाँ पे रखा हुआ है, इसका फोकस दूरी है, जो फोकल लेंथ है वो है 21 सेंटीमीटर, इस लेंस का फोकल लेंथ है 21 सेंटीमीटर, और कितने सामने रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 14, मतलब ये आपका जो जो दिया हुआ है गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया है, इधर रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस जो है वो यू है 14 सेंटीमीटर, ये आपका यू नेगेटिव हो जाएगा, आपका ऑप्टिक एक्सिस ये है, इधर से ये माप रहे हैं, मान लीजिए ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका यू हो जाएगा, यू नेगेटिव हो जाएगा, -14 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद आ जाइए, और क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है, ये कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा आपका, ये दिया है मैंने आपका 14 सेंटीमीटर,
ओ सॉरी, फोकल लेंथ हाँ 21 सेंटीमीटर है, तो -21 सेंटीमीटर हो जाएगा। कॉनकेव लेंस है, देखिए ये आपका 14 सेंटीमीटर यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये मतलब फोकस के अंदर ही रखा हुआ है, आपका फोकल लेंथ ज़्यादा है इधर है, मान लीजिए कि एफ आपका, एफ वाला पॉइंट यहाँ पे था, तो फोकल लेंथ आपका ये डिस्टेंस हुआ, मैंने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और हाइट आपका एच ए, जो हाइट है एच। अब ये पूछ रहा है कि जो इमेज बनेगा आपका कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द इमेज का मतलब है कि किस तरीके का इमेज बनेगा और कहाँ बनेगा, पहला, ये पहला पार्ट है, मतलब वी आपको निकालना है, फिर मैग्निफिकेशन क्या होगा, आप एच प्राइम निकालिएगा, फिर इसका नेचर निकालिएगा, रियल है वर्चुअल है। और एक और सवाल है इसमें कि अगर ऑब्जेक्ट को हम दूर ले दे जाएं, ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, इसको और इधर कर दें, तो इमेज के पास साथ कैसा फर्क पड़ेगा, इमेज कैसा चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, पहले इमेज डिस्टेंस निकालते हैं लेंस फॉर्मूला यूज़ करके, तो हमारे पास क्या होगा, सॉरी लेंस फॉर्मूला क्या करते हैं, 1/v फ्रॉम लेंस, थिन लेंस फॉर्मूला क्या, 1/v, 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो v निकालना है हमको, 1/v इज इक्वल टू हो गया 1/u प्लस 1/f, u दिया हुआ है आपके पास -14 सेंटीमीटर, f है -21 सेंटीमीटर, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 42 लेते हैं, 42, 21 14 42, ये हो जाएगा -3, और ये 21 2 42, तो -5/42 आ जाएगा, तो आपका वी क्या आ जाएगा, 42, वी आ जाएगा 42/5, और माइनस साइन रहेगा ही, तो 8 5 40, 5 6 20, 8.4 सेंटीमीटर आपका हो गया, तो इमेज डिस्टेंस जो हो गया कितना आ गया, तो पहला पॉइंट निकल के हमारा इमेज डिस्टेंस कहाँ बन रहा है, मतलब 8.4 सेंटीमीटर, इधर ही कहीं बनेगा, ये कहाँ से बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट है 14 तो यहाँ पे बनेगा आपका, इधर ही यहाँ इस जगह पे, और ये नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब इमेज क्या हो रहा है, आपका इमेज वर्चुअल हो रहा है, पॉजिटिव आता तो रियल होता। ठीक है, दो पॉइंट हो गया क्लियर, एक तो इमेज आपका लेफ्ट साइड में बन रहा है जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही बन रहा है, तो इसका नेचर हम क्या लिख सकते हैं, इमेज हमारा वर्चुअल हो रहा है, दैट इज प्रतिबिंब क्या है, आभासी है, वर्चुअल ना आभासी है, प्रतिबिंब दो पॉइंट हो गए, इतनी दूरी पे बन रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस के बाएं साइड ही बन रहा है, और उसका आभासी या वर्चुअल बन रहा है। अब हम लिखते हैं कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, क्या हाइट होगा, तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखे थे, मैग्निफिकेशन क्या है हमारे पास, आवर्धन, दो फॉर्मूला था कि एच प्राइम बाय एच, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, और इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये दोनों तो आपके पास है, तो यहाँ से आपको एच प्राइम निकल जाएगा, एच प्राइम क्या हो जाएगा, वी बाई यू इंटू एच, तो v आपके पास आया है -8.4, और u आया है आपके पास -14, h आपके पास, तो h देखिए पॉजिटिव आने वाला है, h पॉजिटिव आएगा, h प्राइम पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब सीधा बनेगा इमेज, तो h प्राइम आपका, और h की जगह लिख दीजिए, h की जगह कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 लिख देते हैं सबका वैल्यू लिख दिया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 1.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो एच प्राइम क्या हो गया, 1.8 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, दो चीज़ यहाँ से निकल के आ रहा है आपको, एक तो आ रहा है कि एच पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज इरेक्ट बनेगा, और एच प्राइम आपका एच से छोटा है तो स्मॉल बनेगा, तो इमेज क्या हो जाएगा, इमेज जो है सीधा बनेगा, इरेक्ट और स्मॉल, मतलब सीधा और छोटा बनेगा, तो सारा आ गया प्रतिबिंब हमारे पास कैसा बन रहा है,
देखिए फाइनली मेरे पास क्या है कि जो इमेज बन रहा है इस कॉनकेव लेंस के द्वारा वो आभासी बन रहा है, वर्चुअल, सीधा बन रहा है, इरेक्ट और स्मॉल बन रहा है। और कितनी दूरी पर बन रहा है? लेंस के ऑब्जेक्ट के साइड में ही 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। कितना छोटा हो रहा है? तो ये 1.8 सेंटीमीटर का हो रहा है। और आपका ऑब्जेक्ट हाइट था 3 सेंटीमीटर, तो छोटा ही हुआ। तो ये हमारे पास निकल के ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट है कि अगर हम इसको दूर ले जाएँ, इसको अगर दूर ले जाते हैं तब क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्ट को हम और इधर ले जाते हैं तब क्या होगा, तो हमारे पास इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। तो आप जैसे इसको दूर ले जाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट, आपको याद होगा कि इस केस में क्या करते हैं हम, कि यहाँ पे देख लीजिए सेकंड पार्ट में ही कर देते हैं। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट में जो कह रहा था, अगर ये फॉर्मूला आपके पास है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, अब ये कह रहा है यू को आप बढ़ाते जाइए, ठीक है, यू को आप इंक्रीज करिए। सपोज कि जब हम यू को इन्फिनिटी ले जाते हैं, राइट, 10 to infinity, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, मतलब तो v 10 to f हो जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर ले जाएंगे आपका जो इमेज है वो फोकल लेंथ की ओर शिफ्ट करेगा, फोकस की ओर शिफ्ट करेगा। और आपका जो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन जो आपका है v/u है, u को आप इन्फिनिटी ले रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा आपका। जब u इन्फिनिटी लिए तो मैग्नीफिकेशन 0 हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, फोकल लेंथ पे आ जाएगा। तो जैसे आप लेंस से दूर जा रहे हैं ऑब्जेक्ट आपका जो वस्तु है ई मूविंग अवे फ्रॉम लेंस, तो इमेज क्या कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स फोकस। और कितना साइज क्या हो रहा है इसका, साइज आपका घटते जा रहा है। और जब आप इन्फिनिटी पे ले लेंगे तो साइज 0 हो जाएगा उसका, लेकिन उस फोकस से उधर नहीं जाएगा, बस लास्ट आपका जो कहीं 0 हो जा रहा है मैग्नीफिकेशन और वी आपका इन्फिनिटी पे आ रहा है, तो फोकस के बियॉन्ड नहीं जाएगा, मतलब फोकस के साइड नहीं जाएगा, फोकस यहाँ है तो इसके आगे नहीं जाने वाला है इमेज, चाहे आप कितना दूर आप ले जाइए आपका इमेज स्मॉलर स्मॉलर होते जा रहा है। जब वस्तु को हम दर्पण से दूर ले जा रहे हैं इस कौन के अवतल दर्पण, सॉरी दर्पण बार बार रिपीट करते हैं, मिरर, सॉरी मिरर नहीं, लेंस, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, तो आपका इमेज भी लेंस से दूर जाएगा लेकिन लास्ट ये फोकस तक जाएगा, फोकस पे ही, फोकस के अंदर ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम था सारा हो गया। हमने तीन प्रॉब्लम इस पे कर लिया, इस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे एनसीईआरटी पे ही तीन प्रॉब्लम दे रखा था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है इक्विवेलेंट लेंसेज पर करेंगे, कॉम्बिनेशन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, और दो लेंसेज अगर सामने आमने सामने हो या कॉन्टैक्ट पे हो तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। तो आप लेक्चर को देखिए और जहाँ समझ में नहीं आया कमेंट करिए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका कमेंट आना बहुत ज़रूरी है, आप लेक्चर देख तो रहे हैं बट आपका कमेंट आया कि सर ये दिक्कत है या यहाँ अच्छा लगा, यहाँ ख़राब लगा, ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो उससे हमको आसानी होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, खास करके अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर लिखिए, समझ में आ रहा है तो बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर समझ में नहीं आ रहा है किसी पॉइंट पर, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किस कुछ लगता है कि और आपको सुधारने की ज़रूरत है मुझे, तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।